ऑलराइट गाइज, व्हाट्स गोइंग ऑन, वेलकम बैक टू अदर गेम प्ले वीडियो। सो गाइज, आज हम दोबारा से खेलने जा रहे हैं हिटमैन 2। और गाइज, आज हमारे हिटमैन 2 जर्नी का एंड आ चुका है। वेल, आज हमारा हिटमैन 2 का लास्ट एपिसोड है, जिसका नाम है द लास्ट रिजॉर्ट। और इसके लिए हम लोग जाने वाले हैं मालदीव्स हेवन आइलैंड पे। तो सही बात तो बताऊँ तो ऑब्वियसली ये बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल प्लेस होने वाली है, बिकॉज मालदीव्स बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत जगह है। और वहाँ पे ये देखो, ये तीन क्रिमिनल्स रहते हैं। क्या नाम है भाई तुम्हारा? भाई नहीं, कमीने नाम क्या है तेरा, बता जरा। टाइसन विलियम्स। कुत्रिया तेरा नाम क्या है? स्टीवन बैडरी। और दीदी आपका, दीदी नहीं, पागल औरत, तेरा नाम क्या है? लिजुद्मिला, नाम जैसे ही आड़ी टेढ़ी होगी ये तो जाने दो। तो बेसिकली हम लोग प्लानिंग वगैरह बाद में देख लेंगे, लेकिन द लास्ट रिजॉर्ट का ब्रीफिंग स्टार्ट करते हैं हम लोग फटाफट से। तो डायना बता जरा, बैक स्टोरी क्या है क्या नहीं है, सब कुछ बता दे। ओहो, सिनेमेटिक्स। चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हाँ, ऑब्वियसली हिटमैन 2 ही खेल रहे हम लोग। अरे हाँ, जरा फुर्सत दिखाओ। दिस इज पैराडाइज। यस, दिस इज पैराडाइज। अरे तेरे को क्या लग रहा है ना, हम लोग न्यूयॉर्क से बाहर निकलेंगे नहीं? अरे ऐसे कैसे यार, अंडर एस्टिमेट कर दिया। लूकस ग्रे नहीं निकलता? नहीं, वो मुझे नहीं पता, लेकिन अपना एजेंट 47 वो तो डेफिनेटली निकल जाता। स्मॉल कॉर्पोरेशन ऑपरेटिंग आउट ऑफ द मालदीव्स। ओके, तो यहां पे कोई क्या है? हेवन आइलैंड। दे स्पेशलाइज इन रेपुटेशन मैनेजमेंट फॉर द रिच एंड फेमस। मतलब रियल मनी, हाउएवर, comes from the covert reconstruction of identities for wealthy criminals. Okay, bhai saab. ऐसी भी चीजें हैं इस दुनिया में? यार हिटमैन वाले तो डरा रहे हैं अब मुझे। सही में ऐसी टेक्नोलॉजी है दुनिया में? अरे ये ऐसे मतलब वहम तो नहीं होता, मतलब ऐसे इमेजिन करके तो नहीं डालेंगे? कुछ ना कुछ इसके आसपास तो होगा, 19-20 का डिफरेंस होगा। लेकिन ये टेक्नोलॉजी, जिनको नहीं पता मैं उन लोगों को बता दूं कि यहाँ पे जो दुनिया को दिखाने के लिए, मतलब ये लोग क्या करते हैं, देखो अभी दिखाएंगे। अभी ओके, टाइसन विलियम्स की ये कंपनी है हेवन आइलैंड। And treated to the very best the yes, लगा ये था मुझे, यही मालदीव्स में सब का यही बिजनेस रहता है। A full massage spa. Okay. हाँ बहन, दिख रहा है यार, कितनी बार हाथ घुमाओगे? हेवन आइलैंड, ओके ओके ओके, a new life awaits. We'll be sending you in as a potential new client. We've put together a convincing cover story. You're Mr. Reaper. Mr. Reaper. Looking to disappear for a while. Okay. So हमें अपनी Mr. Reaper को अपनी identity छुपानी है, इसलिए वो Haven Island आया है। Tyson Williams, founder and rumored tyrannical CEO of Haven. Okay. Ludmilla Vetrova, a former confidence artist hired by Williams to serve as a client recruiter. Okay, ये तो कहीं पे भी मिल जाएगी Vetrova. Stephen Bradley. Technical wizard and the brains behind Haven's proprietary. ये भी बीच पे ही दिखाई दे रहा है, मतलब ये भी आसानी से मिल जाएगा। तो टाइसन विलियम्स को पकड़ना थोड़ा डिफिकल्ट होगा हम लोगों को। Penetrate the Haven servers long enough for her to secure the new partner identities. Okay, तो इसके बाद हम लोगों को पार्टनर्स की आइडेंटिटीज मिल जाएगी बड़ी। Island and the three targets. Best of luck, gentlemen. हाँ हाँ। I don't rely on luck. Well, a little wouldn't hurt. लुकस ग्रे के आने के बाद से आप लोगों को ऐसा नहीं लगता कि अपना एजेंट 47 जो है वो थोड़ा खुल गया है, मतलब खुल के बात करने लगा है वो? ऐसा नहीं लगता तुम लोगों को? मेरे को तो यार लगता है लुकस ग्रे ने अपने काला जादू कर दिया अपने हिटमैन पे। यार सिनेमैटिक्स तो बड़े ही कूल है यार। टाइसन विलियम्स, यूजिनमा वेट्रोवा और स्टीवन ब्रैडली। अरे ये तो वो थ्री हेडेड सरपंच जैसा है, मतलब दो मेल टारगेट्स, एक फीमेल टारगेट, टोटल तीन टारगेट्स है हमारे पास। ओके, तो ये दोनों तो बीच पे ही मिल जाएंगे, ये इसको पकड़ना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। नंगा पुंगा घूमता रहता है, शर्म नहीं आती, बेशर्मी की भी कोई हद होती है। घर में ही क्यों ना हो, सर्वेंट्स के सामने भी ये नंगा पुंगा घूमता रहता है, मतलब ऑब्वियसली कच्चा पहना रहता है इसने। तो फटाफट से हम लोग स्टार्ट करते हैं। ओके, तो गाइज हम लोग गेम प्ले स्टार्ट करें, उससे पहले अगर आप लोगों ने हिटमैन 2 की जर्नी, आज एंड होने वाली हमारी, तो हिटमैन 2 की जर्नी अगर आप लोगों ने एंजॉय की हो तो डेफिनेटली चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और जिन्होंने हिटमैन 2 की सीरीज नहीं देखी हो, देख लो यार, पूरी की पूरी प्लेलिस्ट बनाई है हम लोगों ने, तो
बिंज वॉच कर डालो और हर वीडियो पे लाइक करना मत भूलना. अगर आपको आज की वाली वीडियो पसंद आती हो तो आज की वाली वीडियो भी डेफिनेटली लाइक करना. यस ओके. तो अपना टोबायस रीपर नाम है अपना, मिस्टर रीपर. हाँ ये बता चुकी है डायना, कितनी बार बताएगी यार तू. लुडमिला विट्रोवा can be found in the public sections of the island. Public section dekha bola tha na maine. Ye fitness freak, ye to gym mein hi milega hum logo ko. Strict training regimen and working on a small private island. Kaise ladkiyon jaise bhag raha hai yaar ye. Ye dekho, ye dekho. While Tyson Williams roams his large villa estate. Ruko yaar, iske body pe kuch to hua hai. Infection hua hai lagta hai kisi. Eliminating the three owners. I don't know. Should buy Miss Hall the time needed to do a full penetration. Infection लगता है वो. Of the Providence partner data. Oh, ये देखो आ गया अपना barcode scanner. अरे bye bye bye. Shorts में आया है, पहली बार देखा है. 47 ने बताया ना तेरे को, लक पे इतना depend नहीं रहने का. Okay, तो ये रही Vetrova. यही से मैं गोली मार सकता हूँ इसको और इसके bodyguard को. That is Ludmila Vitrova, English-born former confidence artist. अरे डायना सुनने दे, वो मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा, वो क्या बोल रही है, रुक जा जरा. हाँ. Thank you. Are you one of the owners? But yes, indeed. I'm Ludmila Vitrova, co-owner of Haven, and your gracious host for this day. Okay, so ये कौन है? Okay. Oh, I'm sure of that, Miss Vitrova. कोई बात नहीं, कोई बात नहीं. Your late booking has me intrigued. In the meantime, our staff will take good care of your needs. चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं. Come find me when you're ready, Mr. Reaper. हाँ मैं तैयार हूँ, रुक जाता हूँ. रुक जा जरा, रुक जा. अभी अभी गेस्ट आए. ऐसी खातिरदारी करते हैं क्या अपने गेस्ट की? मतलब रूम में घुसने भी नहीं दिया. फ्रेश तो होने दे बहन. Thank you, Miss Vitrova. रुको रुको रुको, वहाँ पे कोई तो अपॉर्चुनिटी है रे. देखने दो, देखने दो. ओके रुको रुको रुको, वहाँ पे कोई तो अपॉर्चुनिटी है जो मुझे देखनी है. आई डोंट थिंक सो. यहाँ पे तो दो बंदे हैं. ओए रुको रुको, मिशन स्टोरी रिलीज हो गई. क्या हुआ? Summoned a doctor to the island. ओके टायसन विलियम्स को. You have some experience with pain relief 47. Maybe you could be of assistance? अरे क्यों नहीं, क्यों नहीं, क्यों नहीं. मुझे डेफिनेटली उसको मदद करने में, मतलब इट विल बी माय ऑनर, इट विल बी माय ऑनर टू हेल्प हिम. ये ले लेते हैं और यू नो वॉट, ब्रीफ केस ही रखते हैं हाथ में. इसको होल्स्टर कर दे भाई. आई डोंट थिंक सो किसी ने देखा. चलो फटाफट से इनकी बॉडी को डिस्पोज कर देते हैं. डिस्पोज मतलब डंप कर देंगे डेफिनेटली. ये देखो ये रहा, यहाँ पे किया हम लोगों ने इसको डंप. इसका ड्रेस लेके क्या ही करेंगे, औरत है वो. कितना भी कुछ भी हो जाए, ये हिटमैन थोड़ी ना मतलब औरत का डिस्गाइज ले सकता है. क्या पता, क्या पता हिटमैन 3 में ऐसा भी हो, ऐसा भी हो सकता है कि एक औरत का डिस्गाइज लेके जाए. अब औरत गंजी तो होगी नहीं. ओके तो डिस्गाइजेस. ओके तो ये देखो हम लोग डॉक्टर तो बन चुके हैं. यहाँ पे क्या है, रिमूव सेफ्टी पिन. कोई बात नहीं भाई. ओके जी ओपन. ओके ओके समझ गया, मैं समझ गया, मैं समझ गया. रुको रुको रुको, ये क्या है, स्टेथोस्कोप और लेदर बैग. चलो परफेक्ट परफेक्ट, डॉक्टर ही लग रहे हैं हम लोग तो. क्यों, अरे भाई साहब हम लोगों तो बहुत घूम के जाना पड़ेगा यार, बहुत दूर है ये टायसन विलियम्स का बंगला. कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, चले जाएंगे यार, चले जाएंगे. ये देखो यहाँ से कहाँ जाना है. आई डोंट थिंक सो, ये सब पब्लिक एरिया है यार. हम यहाँ पे हम लोगों को कोई रोकने वाला है नहीं. एक और मिशन स्टोरी. नहीं रहने दो, अभी हम लोग ऑलरेडी मतलब काम पे है तो अभी तो हम लोग कुछ कर नहीं सकते. एक और मिशन स्टोरी रिवील हो गई थी, लेकिन यार डॉक्टर वाली स्टोरी है. जब डॉक्टर ही जान लेता है तो बड़ा मजा आता है.
हम लोगों ने, वो कौन था वो, जीनस, राइट गाइस, तुम लोगों को याद है जीनस को भी तो हम लोगों ने डॉक्टर बन के ही मारा था यार। अभी वो अलग बात है कि पिलो से नहीं मार पाए, मैंने थोड़ी देर कर दी थी वरना पिलो से ही मार देते, कोई बात नहीं यार। सीजर से मार दिया था ना हम लोगों ने, सीजर या फिर पेटन से मार दिया था उसको। Mr. Williams is expecting you. He's in the house. If you want to get past me, I have to frisk you first. Definitely not. मैं फ्रिस्किंग तो नहीं करने वाला हूँ। फ्रिस्किंग तो नहीं होगी। यहाँ से स्केल करते हैं। यहाँ पे मुझे कुछ तो दिखा था। ये देखो, हैमर मिल गया। यहाँ से जा सकता हूँ मैं? अरे डेफिनेटली। ये देखो, आसपास से ऐसे कहीं पे भी जा सकते हैं हम लोग। भाई अंदर रख दे हथौड़ा। कौन सा डॉक्टर कैरी करता है? स्टेथोस्कोप निकाल, स्टेथोस्कोप निकाल, स्टेथोस्कोप निकाल बाहर। यप, I'm the doctor. Yes, well, I guessed as much. बताना पड़ रहा है। Follow me to Mr. Williams's room. अपने एजेंट 47, भाई ये क्या कर रहा है? गार्ड है तू यहाँ का? मतलब मुझे नहीं पता कि ये, मतलब इसको चढ़ गई है या फिर ये सो रहा है? क्या 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 गार्ड, क्या गार्ड बनेगा रे तू? क्या गार्ड बनेगा ड्यूटी के टाइम पे सोने का? नहीं, खींच के चमाट लगा दूंगा मैं। ओके, तो यू नो वॉट, इसको तो बेहोश करना ही पड़ेगा। Excellent 47. I hope you can offer the man some assistance. इसको फटाफट से इसके अंदर डंप कर देते। कोई किसी ने देखा ही नहीं ना, किसी को पता ही नहीं चला यहाँ पे क्या हुआ। अभी हम लोग आराम से, वो कौन आएगा, टाइसन विलियम्स कहाँ पे है? टाइसन, अरे कहाँ है? ओके, आ गया आ गया आ गया। आराम से टाइसन विलियम्स को मारेंगे अब तो। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, ये लेटर ओपनर भी है, लेकिन चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। टाइसन विलियम्स, CEO of Haven. ओ भाई साहब, इसके साथ तो एक एलीट बॉडीगार्ड है। विलियम्स इज नोन फॉर हिज बैड टेंपर एंड हेवी हैंडेडनेस। टायर्ड, लॉन्ग नाइट, ही आस्क्ड मी टू फिल हिम। आई न्यू आई शुडन्ट हैव अलाउड। अरे मिस्टर सिंह ना, अरे वो मेरे चाचा का लड़का है, उसने मुझे भेजा है इंस्टेड। तो उसकी चिंता मत कर, मैं तेरा चेकअप करता हूं ना। भाई ये बड़े गंदे पोजीशन में बैठा है यार, थोड़ा मैं ऐसा आगे पीछे हो जाता हूँ। हाँ तू टेंशन मत ले, मैं तुझे एकदम परफेक्ट दवाई खिला दूंगा। इसके बाद ये, अभी मेरे चेकअप के बाद तेरे को मतलब किसी डॉक्टर को देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी है। फटाफट से वो रोब निकाल दे, बस रोब निकालना है, ज्यादा कुछ नहीं। मेरे को डरा मत देना। ओके ओके, ऐसे अच्छी बात नहीं, अच्छी बात नहीं किसी को चेंज करते हुए देखना। लेकिन इसने कुछ पहना भी नहीं है तो रहने दो यार। इसको भयानक इन्फेक्शन हुआ है यार किसी चीज का। So, कोई बात नहीं, इससे भी हम लोग तुझे मुक्ति दिला ही देंगे। Yeah, like I said, more than a week now, but the worst thing is the headache. अच्छा, सिर दुख रहा है। ओके ओके, अभी सिर रहेगा ही नहीं तो क्या ही दुखेगा। What can you do for me? Listen to lungs, ask about medicine. Let's listen to lungs before we do anything drastic, Mr. Williams. Fine, fine. सांस अंदर लो, please. सांस बाहर लो, सांस अंदर लो, सांस बाहर छोड़ो। Look, tell it to me straight, doc. अरे don't worry रे, तू मरने नहीं वाला है, मतलब natural death तो तेरी होने नहीं वाली। यमराज खुद तेरे सामने आके खड़े, तेरा चेकअप कर रहे हैं यमराज जी अभी तो तेरा। ये ले, पीठ पीठ दिखा जरा, अपनी पीठ तो दिखा, पीठ से भी मेरे को कुछ तो चेक करने का है। I genuinely don't know डॉक्टर से क्या करते हैं। स्ट्रैंगल, अच्छा स्ट्रैंगल करना है। अरे रुक जाना, ये देखिए यहाँ पे एक गार्ड है, फटाफट से इसको क्लोज कर ही देते। ये देख, ये वर्डिक है, दबा साले को दबा। फटाफट से उठा और इसको अंदर लेके चलते। टू टारगेट्स रिमेनिंग। यस यस यस, डोंट वरी डोंट वरी रे, तू टेंशन मत ले। ओके, एक की तो मिल गई हम लोगों को। अपनी ब्रीफकेस ले लेते और यहाँ से फटाफट से निकलते। लेकिन किसी को हम पे शक भी नहीं है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं। एलिट गार्ड को भी हम पे कोई शक नहीं, वो बस एक वहाँ पे एक बंदा है जो हम लोग को पहचान सकता है। लेकिन डोंट वरी। तो गाइज, आज की वाली वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको आज की वाली वीडियो पसंद आई हो तो डेफिनेटली डेफिनेटली ज़रूर 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 लाइक करो वीडियो को। चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। इसका जो दो अलग अभी टारगेट्स बचे, स्टीवन ब्रैडली और लुजिदमिला वत्रोवा, इनको नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग मारेंगे। तो गाइज, मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए गाइज, टेक केयर एंड गुड बाय।